ओम शांति। राजयोग के सुहाने पथ पर हम चल रहे हैं और एक-एक कदम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। हमने सुना है कि योगी जीवन शैली क्या होती है। अगर हम अच्छी तरह से योग लगाना चाहते हैं अथवा अपने मन बुद्धि को स्थिर बनाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि मेडिटेशन की हम गहराई में जाकर उसका आनंद लें, उसका पूर्ण अनुभव करें, तो किन बातों पर ध्यान रखना है? कैसे हमारा आहार, विहार, व्यवहार सब बहुत बड़ा प्रभाव डालता है हमारे विचारों पर। तो विचार, हमारे आहार, विहार माना हम क्या देखते हैं, कहाँ घूमते हैं, और व्यवहार सब पर निर्भर है। और इन सब बातों से हम अपने दृष्टि पर एक पॉजिटिविटी का चश्मा लगा लेते हैं। जी हाँ, प्रतिदिन जब हम पॉजिटिव बातें सुनते हैं और वही पॉजिटिव चिंतन, अच्छा चिंतन हमारी एक आदत बन जाती है, तो जो भी बात हम देखते हैं, सुनते हैं, वो हम उसी नजरिए से देखते हैं जो बिल्कुल पॉजिटिव है। तो इस कारण से हर बात में, हर हाल में, हर परिस्थिति में खुश रहना हमें आ जाता है। क्योंकि ये तो बात निश्चित है कि परिस्थितियां हमेशा हमारे मन मुताबिक तो नहीं हो सकती हैं। हमारा मन जो है वो जो चाहता है वही लोग करें, वैसा ही चले, ये तो संभव नहीं है। तो हम लोगों को बदल दें या परिस्थितियों को अपने मन मुताबिक बदल दें, ये भी संभव नहीं है। लेकिन अगर हम अपने दृष्टिकोण को ठीक रखते, सोचने के ढंग को अच्छा बनाए रखते हैं, तो जैसी भी परिस्थिति हो उसमें हम अपनी स्वस्थिति को अच्छा बनाए रख सकते हैं। तो ये हमारी स्वस्थिति को शक्तिशाली बनाने वाली सारी बातें हैं जो हम सुन रहे थे, कि प्रतिदिन हम श्रेष्ठ बातें सुना करें जिसे हम ज्ञान कहते हैं। हम अपने आहार को, अपने भोजन को शुद्ध सात्विक रखें। हमारी दिनचर्या कैसी है, एक योगी की दिनचर्या कैसी होती है? तो सुबह जल्दी उठना, जल्दी उठकर उठते ही जो हमारे पहले दिन के कुछ दिन के जो पहले क्षण हैं, पहले पहला पहला जो समय है दिन का प्रारंभ, उसे हम बहुत अच्छे विचारों से भर दें, तो सारा दिन उन्हीं विचारों में रहना और उसी मनस्थिति को बनाए रखना बहुत आसान है। तो सुना तो हमने बचपन से ही था, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। लेकिन वास्तविक अगर हमें हेल्दी वेल्दी और वाइज की अनुभूति करनी है, तो ये छोटा सा अगर हम ध्यान देते हैं कि सुबह हम अमृत वेले उठें। अमृत वेला कब होता है? जिसे सुबह 4 बजे का समय कहते हैं, अमृत वेला। वो समय ऐसा होता है जब चारों तरफ वातावरण बिल्कुल शांत होता है। जैसे हम कोई लॉन्ग डिस्टेंस फोन कॉल करना चाहें, तो उस समय अगर ऐसे समय को हम चुनते हैं कि जब सब लोग सोए रहते हैं देर रात में या अर्ली मॉर्निंग में, तो उस समय हमारा कॉल बहुत अच्छा क्लियर लगता है। नेट भी अगर हम यूज कर रहे हैं ऐसे समय पर यूज करें जब प्राय लोग नहीं कर रहे हैं, तो उस समय हमारा नेट भी अच्छा चलता है। तो इसी तरह से वो अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है जब प्राय करके जो तमोगुणी विचार वाले मनुष्य होते हैं वो सोए रहते हैं, और उसके कारण वातावरण जो है वो बड़ा शुद्ध होता है, शांत होता है। तो उस समय हमारे मन को ईश्वर की ओर ले जाना, इस आवाज से, आवाज की दुनिया से परे लेके जाना,
बहुत आसान होता है, बहुत ही सहज होता है। एक तरह से हम यूं सोचे कि परमधाम की जो शांति है वो इस धरती पर हम बहुत आसानी से महसूस कर सकते हैं सुबह सुबह। तो ये योगी की दिनचर्या है, सुबह जल्दी उठना, उठते ही पहले विचार ईश्वर की ओर ले जाना, कुछ ज्ञान की अच्छी बातों का अध्ययन करना, जो हमारे सभी सेवा केंद्रों पर हर रोज ज्ञान की मुरली क्लास होती है, ज्ञान उसमें सुनते हैं हम, अध्ययन करते हैं, और भोजन करते समय मन को शांत रखना, ईश्वरीय चिंतन में रहना, भोजन बनाते समय और विशेष स्वीकार करते समय पहले वो भोजन ईश्वर को अर्पण करना, जिसको हम कहते हैं प्रसाद। तो ईश्वर को अर्पण करना यानी हम वही बहुत अच्छे वाइब्रेशंस उस भोजन के अंदर भर देते, जब हम परमात्मा को याद करते हैं उस भोजन को सामने रख के। परमात्मा तो हमारे भोजन को खा नहीं लेंगे, लेकिन उनकी शुद्ध वाइब्रेशंस उस भोजन के अंदर आ जाते हैं, जो हम जब स्वीकार करते हैं तो हमारे मन बुद्धि को भी बहुत शक्ति मिलती है। और इसी प्रकार से रात को जल्दी सोना और सोने से पहले परमात्मा को याद करके सोना, दिन भर में जो कुछ हुआ वो सारे बोझ, वो सारा हिसाब किताब उस मालिक को सौंप देना, मन ही मन परमात्मा को बताना आज दिन भर में क्या हुआ उसको एक बार चेक करना। अगर हमसे कोई भूल हुई हो, किसी को हमने दुख दिया हो, कोई ऐसी गलती हमसे हुई हो जो हम समझते हैं कि एक बोझ है, तो वो बोझ हम ईश्वर को दे दे एक प्रॉमिस के साथ कि ये हम कल अपने साथ नहीं रखेंगे, अपने अंदर नहीं आने देंगे, और आज जो कुछ अच्छा हुआ उस अच्छे को भी हम प्रभु प्रसाद बना दे। कहते हैं ना, कुछ अच्छी चीज हमारे घर में आती है तो भगवान को उसका प्रसाद लगा दो, भोग लगा दो। तो किसी ने हमारी महिमा की, किसी ने कहा कि आपने काम बहुत अच्छा किया है, तो वो हम ईश्वर को अर्पण कर दे कि उसकी देन है, उसने करवाया, उसके लिए उसको शुक्रिया कर दे। तो इस प्रकार से दिन भर का हम आकलन करते हैं हमने क्या किया, और फिर उन सभी बातों को फुल स्टॉप लगा के आराम से सो जाते हैं। तो इससे हमारी जो पर्सनैलिटी है, हमारी जो सोच है, सोचने का ढंग है, वो बहुत ही पॉजिटिव बनता जाता है, और फिर हम हर बात को पॉजिटिव ढंग से ले सकते हैं, समझ सकते हैं, चाहे वो कैसी भी बात क्यों ना हो। तो कहा जाता है कि जब भी हमारे सामने कोई परिस्थिति आती है जिसको हम कहें इवेंट, तो उस इवेंट को हम कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देते हैं, है ना, ये परिस्थिति आई इसलिए हमने ऐसा किया, ये परिस्थिति अच्छी परिस्थिति थी इसलिए हम खुशी के मारे झूम रहे थे, नाच रहे थे, किसी खराब परिस्थिति के आने से ये ऐसी बात थी इसलिए हम दुखी हो गए थे। तो एक होता है इवेंट और दूसरा होता है उस इवेंट में मैं क्या कर रही हूँ, यानी मेरा रिस्पॉन्स क्या है, वो परिस्थिति उस परिस्थिति में मैंने क्या प्रतिक्रिया दी। तो कहते हैं कि देर इज नो डायरेक्ट लिंक, डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन इवेंट एंड आवर रिस्पॉन्स, वरना वो जो परिस्थिति है और हमारी प्रतिक्रिया उसमें कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है। बीच में एक बात है जो निर्धारित करती है कि हमारी प्रतिक्रिया कैसी होगी, माना इवेंट कैसा है वो नहीं, लेकिन मेरी प्रतिक्रिया उस इवेंट के प्रति अच्छी होगी या बुरी होगी, इसको निर्धारित करने वाली एक बीच में बात है, और वो एक बात है हमारी अपनी बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम यानी हमारे सोचने का ढंग, हम किस बात पर विश्वास करते हैं, हमारी वृत्ति क्या है, सोचने का तरीका क्या है। तो वो एक प्रकार से लेंस का काम करता है जिसमें से हम सारी दुनिया को देखते हैं। तो अगर हमारा लेंस आंखों में जो चश्मा लगा रहता है उसमें लाल रंग का लेंस लगा है, लाल रंग का चश्मा है, तो सारी दुनिया हमें लाल नजर आएगी,
हरे रंग का चश्मा होगा तो सारी दुनिया हरी नजर आएगी। जब हम बहुत खुश होते हैं किसी बात पर, तो आप देखिए थोड़ा खिड़की से बाहर, तो आपको लगेगा कि अरे आकाश का रंग भी कितना सुंदर है, ये धरती भी कितनी सुंदर है। आप कहीं भी खड़े होंगे ना, आपको लगेगा वाह ये दुनिया बड़ी सुंदर है। दुनिया तो वही की वही है, लेकिन हमारे मन की स्थिति अच्छी है, सुंदर है, तो हमें वही दुनिया अच्छी लग रही है। और अगर मेरा मन ठीक नहीं है, किसी बात से दुखी है, तो फिर अच्छे से अच्छे नज़ारे हमें देखने को मिले तो भी हमारा मन नज़ारों से खुश नहीं होगा, उन नज़ारों की सुंदरता हमें दिखाई नहीं देगी। तो इसीलिए अपने मन की जो अवस्था कहिए, मन की स्थिति कहिए, या अपने बिलीफ सिस्टम को कहिए, या अपने मनोदशा को कहिए, अगर आप हमेशा अच्छा बनाए रखना चाहते हैं, तो इन कुछ एक बातों का अपने जीवन में ध्यान रखें। हम कैसे उठते हैं, हम कैसे सोते हैं, हम कैसे जागते हैं, हम कैसे खाते हैं, हम कौन सी बातें पढ़ते हैं, कौन सी बातें सुनते हैं, हम क्या बोलते हैं। हम ऐसे ही कुछ बोल देते हैं कभी, फिर बाद में कहते हैं मैंने तो ऐसे ही कह दिया। पर ऐसे ही कह दिया नहीं, हमारे बोल का भी हमारे मन की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, दूसरे के मन की स्थिति पर तो बाद में प्रभाव पड़ता है। अगर कोई बार बार कहता रहता है कि अरे मेरा तो मन नहीं लगता है, मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो कहते कहते सचमुच ही मन ऐसा हो जाएगा। अगर कोई बार बार कहता रहता है कि मेरे अंदर तो बिल्कुल धीरज नहीं है, धीरज, मुझे रुकना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तुरंत ही सब कुछ फास्ट फास्ट सब चीजें चाहिए होती हैं, ये बातें अगर हम बोलते हैं मुख से, या रिपीट करते हैं, या मन में रिपीट करते हैं, तो वही हमारे मन की अवस्था बन जाती है, हम वैसे ही बनते जाते हैं। तो इसीलिए हम हर रोज ये अभ्यास करें कि पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव सोचना है। जैसे कई बच्चे होते हैं ना, पढ़ते हैं, होशियार भी होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुख से बोलेंगे मैं तो कहीं फेल तो नहीं हो जाऊंगी, मेरे से काम होगा कि नहीं, बोलना क्यों ऐसा, बोल कर क्या फायदा होगा। तो इस प्रकार के कोई भी नेगेटिव बोल मुख से हम ना बोले, चाहे कितनी भी नेगेटिव बात हो, लेकिन मुख से हमारे नेगेटिव शब्द ना निकले, हमारा शब्द कोश बदल जाए, सोचने का शब्द कोश, बोलने का शब्द कोश हमारा अलग हो जाता है जैसे जैसे हम योग का अभ्यास करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं। तो इसीलिए मेडिटेशन में एक बहुत प्रारंभिक जो आवश्यकता है वो है कि हम स्वमान बनाए रखें, हम सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखें। स्वमान या सेल्फ रिस्पेक्ट, कि हम अपने बारे में अच्छा सोचें। दूसरा हमें कोई सम्मान देता है तो अच्छा लगता है ना, तो हम खुद को सम्मान देना शुरू करें। क्या सम्मान है हमारा? मेरा सबसे बड़ा सम्मान है कि मैं परमात्मा की संतान हूं, इससे बड़ा और क्या सम्मान है। फिर मेरा बहुत ऊंचा सम्मान है कि मेरा मूल स्वरूप शांत ज्योतिर्मय है, मैं शांति का एक सितारा हूँ, मैं एक सितारा हूँ, ये मेरा सम्मान है। मैं चैतन्य शक्ति हूँ, मैं एक सत्ता हूँ जिसके अंदर सभी अच्छे गुण निहित हैं, भरे हुए हैं, ये मेरा सम्मान है। तो अपने इस सम्मान को याद करना और उस सम्मान को बार बार अंदर पक्का करते रहना, जिसको हम कहते हैं एफर्मेशन, ये मेडिटेशन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। एफर्मेशन, बार बार पक्का करना। तो आज हम ये पांच एफर्मेशंस लेंगे। पहला, मैं शांत हूँ। दूसरा एफर्मेशन, मैं शक्तिशाली हूँ क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान की संतान हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ।
तीसरा एफर्मेशन, मैं बहुमूल्य हूँ, मैं बहुत वैल्यूबल हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जो कार्य कर रही हूँ, मेरा जो पार्ट है वो और कोई कर नहीं सकता है, और परमात्मा ने मुझे बहुत सारे गुण देकर भेजा है इस धरती पर कुछ विशेष कार्य कराने के लिए, तो मैं बहुमूल्य हूँ। चौथा, मैं भाग्यशाली हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ। और पांचवा, मैं खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। तो ये पांच एफर्मेशंस आप चाहे तो नोट कर लें, अपनी नोटबुक निकाल कर उसमें नोट कर लें, और ये अपने आप को समझानी है, ये पांचों बातें बार बार अपने आप को समझानी है, समझा समझा कर पक्का करना है। क्या? मैं शांत स्वरूप हूँ, पहला। आत्मा का स्वधर्म ही तो शांति है, आत्मा अपने मूल रूप में बिल्कुल शांत परम धाम में रहने वाली है, और यही मेरा असली स्वभाव है, यही मेरी असली ताकत है कि मैं शांत हूँ। शांति की ताकत को कम ना समझें, क्रोध की ताकत, जोर जोर से बोलने की ताकत, दूसरे को दबाने की ताकत ताकत नहीं है, बहुत बड़ी कमजोरी है, और शांत रहना ये बहुत बड़ी शक्ति है। शांत रहने से हमारी सारी जो क्षमताएं हैं वो प्रकट हो जाती है, हमारी सारी सुप्त शक्तियां प्रकट हो जाती है, हमारे पास अवेलेबल हो जाती है। तो शांत, वो कहते हैं ना कि ठंडा लोहा गर्म लोहे को काटता है, तो शांति में वो ताकत है जो अशांत को भी शांत कर सकता है, दूसरे के हृदय को परिवर्तित कर सकता है। तो मैं शांत, पक्का कर लीजिए, मैं शांत स्वरूप हूँ। स्वरूप माने मेरा स्व का रूप ही है शांत, बिल्कुल शांत महसूस कीजिए। दूसरा, मैं शक्तिशाली हूँ, या आप इसको कह सकते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मास्टर सर्वशक्तिमान यानी क्या? जैसे किसी का नाम है अगर मिस्टर गुप्ता, तो उनके बेटे को सब कहेंगे ये मास्टर गुप्ता, तो मिस्टर गुप्ता जी का बेटा मास्टर गुप्ता जी। तो परमात्मा है सर्वशक्तिमान, हम हैं उनकी संतान, तो वो अगर है मिस्टर सर्वशक्तिमान तो हम हो गए मास्टर सर्वशक्तिमान। यानी कि परमात्मा की सारी शक्तियां, असीम शक्तियां, उनका मैं वारिस हूं, वो सारी शक्तियां मुझे प्राप्त है। जैसे पिता की सारी संपत्ति मेरी संपत्ति होती है, मैं उसकी वारिस हूं, ऐसे परमात्मा की सारी शक्तियां मेरी है। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, या मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। ये हो गया दूसरा। तीसरा, मैं बहुमूल्य हूं, मूल्यवान, साधारण नहीं, वीआईपी हूं, महत्वपूर्ण हूं। महत्व तो मेरा है ही ना, जो कार्य जो रोल मेरा है इस दुनिया में वो अन्य कोई नहीं कर सकता है, और वो जो रोल है वो इतना महत्वपूर्ण रोल है जो करने के लिए परमात्मा ने स्वयं मुझे सभी गुणों से सुसज्जित करके, क्षमताओं से सुसज्जित करके कुछ खास काम करने के लिए इस दुनिया में भेजा है, जो काम अन्य कोई नहीं कर सकता। इस दुनिया की 750 करोड़ आबादी में से एक भी व्यक्ति नहीं है जो हूबहू वो सारा कार्य कर सके जो परमात्मा ने मुझे करने के लिए इस धरती पर भेजा है। हो सकता है कि वो इतना महत्वपूर्ण कार्य है जो मुझे भी मालूम नहीं है, याद नहीं है, परंतु
है जरूर कोई विशेष कार्य, क्योंकि परमात्मा ने मुझे वो काम करने के लिए इस धरती पर भेजा। मैं ऐसे तो नहीं हूँ इस धरती पर, ऐसे ही नहीं आ गई हूँ, बाय चांस नहीं हूँ यहाँ पर इस जन्म में। कुछ विशेष महत्वपूर्ण वैल्यूएबल कार्य करने के लिए मैं अभी यहाँ हूँ, मेरा अस्तित्व यहाँ है। तो तीसरा स्वमान कहिए या तीसरा पॉजिटिव एफर्मेशन है कि मैं वैल्यूएबल हूँ, मैं बहुत इम्पोर्टेंट हूँ, मैं बहुत महत्वपूर्ण हूँ, मूल्यवान। ठीक है, चौथा कि मैं भाग्यशाली, अति भाग्यशाली। बहुत बार बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास इतना कुछ होते हुए भी दुखी रहते हैं। क्यों दुखी रहते हैं? क्योंकि वो अपने भाग्य को अप्रिशिएट ही नहीं करते, जानते ही नहीं, सोचते ही नहीं, मेरा इतना भाग्य, मेरे पास ये है वो है, इतना कुछ है, वो सोचते ही नहीं है। वो एक आध चीज कोई नहीं है उसके बारे में सोचते रहते हैं और सोचते हैं कि अरे मेरा तो भाग्य ही ठीक नहीं। कभी भी ऐसे बोल अपने मुख से ना निकाले या ये सोच अपने मन में ना लाए कि मेरा तो भाग्य ही खराब है, मेरी तो तकदीर ही फूटी हुई है, मेरे तकदीर में तो शायद ये चीज है ही नहीं। कभी नहीं, अपने भाग्य की सदा सराहना करें। मैं भगवान की संतान भाग्यवान, भगवान मेरे पिता तो उनकी संतान होने के नाते मेरे पास कितना भाग्य होगा जिसका भाग्य स्वयं भगवान ने लिखा हो। कहते हैं ना कि ब्रह्मा जी भाग्य लिखते हैं और बांटते हैं, तो मैं परमात्मा की संतान और मैंने उस परमात्मा को ब्रह्मा के द्वारा पहचाना जाना और उनसे मैं सीख रही हूँ कि कैसे अपना भाग्य श्रेष्ठ लिखना है, तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। जो मैं परमात्मा को याद करती हूँ यही मेरा भाग्य है। परिस्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, खराब परिस्थितियां तो दुनिया में बहुतों के पास है, लेकिन आप सोचिए परिस्थिति भी खराब हो और अच्छा सोचना भी नहीं आता हो, भगवान का साथ लेना भी नहीं आता हो, तो उनकी क्या दुर्दशा है। और उसकी तुलना में मेरे सामने परिस्थिति भले जो भी है लेकिन साथ देने वाला, मेरा हाथ पकड़ने वाला स्वयं भगवान है, उसको मैं याद करती हूँ, तो मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। मेरे भाग्य की तो कोई तुलना ही नहीं है किसी से। ऐसे बहुत अपने भाग्य को ऊंचा देखिए। मेरे तकदीर की तस्वीर तो बहुत सुंदर है, मेरे मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है, स्वयं भगवान ने मुझे भाग्य का तिलक लगाया है, मेरे दोनों हाथ मैं भगवान के सामने लेकर बैठी हूँ और वो मेरे हाथों की रेखा भाग्य की खींच रहे हैं और मुझे भी खींचना सिखा रहे हैं। कह रहे हैं कि तुम्हें जितने लंबे भाग्य की रेखा अपनी बनानी है, जितना बनाना चाहो उतना तुम बना लो, ये लो तुम्हारे हाथ में भाग्य लिखने की कलम मैं दे देता हूँ। क्यों? क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। तो इस प्रकार से अपने भाग्य की बहुत बहुत सराहना करें। जो अपने भाग्य को नहीं जानता है या नहीं उसकी महिमा करता है वही सबसे दुर्भाग्यशाली होता है। इसलिए अपने भाग्य की बहुत सराहना करके भाग्य को और ऊंचा उठाते जाएं। और इसके बाद जो समान है वो भी लिखते हैं कि मैं खुश हूं, मैं संतुष्ट हूं। जो कुछ हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, या जो कुछ हो रहा है उसमें मेरा कुछ भला तो हो ही रहा है क्योंकि मैंने पॉजिटिव का चश्मा पहन रखा है, तो मेरा तो कल्याण हुआ ही पड़ा है क्योंकि वो कल्याणकारी पिता मेरे सिर पर
छत्र छाया बनकर है, तो इसीलिए मैं संतुष्ट हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ। ये मंत्र की तरह अगर आप याद रखेंगे और एक बार मुस्कुरा देंगे, आप देखिए आपका मन खराब भी हो उस समय थोड़ा सा मुस्कुरा दे, मुख से मुस्कुरा रहे, अंदर से नहीं मुस्कुरा रहे, बाहर से मुस्कुरा रहे, पर आपके ब्रेन को पता नहीं चलता है कि ये जो चेहरा मुस्कुराया है ये सचमुच की कोई परिस्थिति से मुस्कुराया है या ऐसे ही मुस्कुराया, ब्रेन को मालूम नहीं चलता। तो जैसे ही आप मुस्कुराते हैं, मैं खुश हूं, मुस्कुराए, तो ब्रेन के अंदर वो केमिकल्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं जो खुशी के समय पैदा होते हैं, और हमारे शरीर में, हमारे मन में अच्छी फीलिंग्स आने लगती है। तो मुस्कुराइए और अपने आप से कहिए, मैं खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम हैप्पी, जो कुछ है, पर मैं खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। तो ये आप अपने आप को वरदान दे रहे हैं। एक कोई कहानी है ना कि एक राक्षस था जिसको वरदान मिला हुआ था। कैसा वरदान? कि वो जिसके सिर पर हाथ रखेगा वही भस्म हो जाएगा, तो वो भस्मासुर बन गया। वो हर किसी के सिर पर हाथ रखता और वो भस्म होता जाता, और अंत में क्या हुआ कि उसने गलती से अपने ही सिर पर हाथ रख दिया और स्वयं भस्म हो गया। तो ये भस्मासुर माना क्या, कि जो नेगेटिव सोचते रहते हैं ना, वो जिसके बारे में बोलेंगे, चाहे जो भी परिस्थिति कितनी भी अच्छी हो, कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा हो, उसमें से भी कुछ अवगुण ढूंढ लेंगे, कोई दोष देख लेंगे और भस्मासुर बन के सबको भस्म करते रहेंगे, दुख पैदा करते रहेंगे, प्रॉब्लम्स पैदा करते रहेंगे और खुद भी उन प्रॉब्लम्स में उलझ के रह जाएंगे। इसके विपरीत भी तो हो सकता है, हम भस्मासुर के बजाय हम वरदानी बन जाए, हमारा हाथ सबको वरदान देता जाए, हमारे हर थॉट्स सबको वरदान देते जाएं, सबका कल्याण करते जाएं, तो वो हाथ हम अपने सिर पर भी रखेंगे तो अपना भी कल्याण, अपना भी भला हो जाएगा। तो आइए इन पॉजिटिव सेल्फ एफर्मेशंस के साथ हम आज मेडिटेशन करेंगे, राजयोग का अभ्यास करेंगे। तो हमेशा की तरह आप सभी से निवेदन है कि थोड़े सीधे होकर बैठे, अलर्ट होकर बैठे, आसपास के वातावरण को थोड़ा शांत रखें तो अच्छा है। सहज स्वाभाविक ढंग से बैठें, आंखें स्वाभाविक रूप से रहने दें, मस्तक को रिलैक्स होने दें, आज हम सुनहरे चश्मे से स्वयं को देखेंगे। बड़ी ऊंची दृष्टि से, बड़े सम्मान के साथ अपने आप को देखें। मैं शांत हूँ, किसी बहुत शांत व्यक्ति को आप कैसे देखते हैं?
बड़े प्यार से देखते हैं, व्यक्ति बहुत अच्छा है, कितना शांत है। आज स्वयं को उस नजर से देखें, मैं भीतर की ओर देखते हुए स्वयं को वरदान दे रही हूँ, मैं शांत हूँ। शांति के सागर की मैं संतान हूँ, मैं आत्मा शांत मूल स्वरूप में बिल्कुल स्थिर शीतल धीरज शांति। शीतलता मेरा निजी गुण कितना सुखदाई है। मैं शक्तिशाली सर्वशक्तिमान की संतान हूँ। ईश्वर की असीम शक्तियों की मैं उत्तराधिकारी हूँ। ईश्वर मुझसे बहुत महत्वपूर्ण कार्य करवाना चाहते हैं। जो महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए मुझे इस धरती पर भेजा है, मेरा जन्म महान कार्य के लिए हुआ है। मैं महत्वपूर्ण बहुमूल्य आत्मा हूं। कितनी भाग्यशाली हूं मैं। जो इन बातों को मैं रियलाइज कर रही हूं, इनका मैं चिंतन कर रही हूं, कितनी भाग्यशाली हूं मैं जो स्वयं मान को याद करके उनका साथ प्राप्त करती हूँ। भाग्यवान आत्मा, मैं भगवान को याद कर रही हूँ। और उनके पास पहुंच गई हूँ। उस दूर देश में जहां शांति और प्रकाश है,
भगवान मेरे मस्तक पर भाग्य का, विजय का चमकता हुआ तिलक लगा रहे हैं। मेरे तकदीर की तस्वीर बना रहे हैं, बहुत सुंदर। जब कलाकार स्वयं ईश्वर हो तो तस्वीर कितनी सुंदर होगी। मन ही मन बात कीजिए उस ईश्वर से, मेरे परम पिता, मैं बहुत खुश हूं आपको पाकर, प्रसन्न हूं। संतुष्ट हूं, जैसे मैंने सब कुछ पा लिया। और कुछ पाने का ना बाकी रहा। आपने मुझे भरपूर कर दिया है। इस प्रकार अपने चिंतन को दिशा दें और अपने मन को, शरीर को बहुत प्रफुल्लित, आनंदित, पुलकित कर दें। परमात्मा के साथ को, उनके वाइब्रेशंस को अपने अंदर महसूस करें। ये है राजयोग। कल फिर हम सुनेंगे कि कैसे ऐसे मन की स्थिति बनाकर हम दूसरों की सेवा कर सकते हैं। ओम शांति।